नमस्कार सलाम, न्यूज क्लिक के नए कार्यक्रम चुनाव चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आज देश अहम मोड़ पर खड़ा है। इस मोड़ से आगे का रास्ता देश में अगले साल 2022 की शुरुआत में यानी अगले कुछ महीनों में 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से तय होगा कि 2024 के आम चुनाव में देश क्या फैसला लेगा। जी हाँ, ये 5 राज्य बहुत अहम हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। इनके बाद फिर 2022 में ही गुजरात और हिमाचल में भी चुनाव हैं। कुल मिलाकर 2022 2024 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन 7 राज्यों में लोकसभा के कुल 132 सीटें हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी, जिसमें अकेले ही लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो आइए करते हैं चुनावी चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश आज कई सवालों से घिरा है। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जो देश की सियासी तकदीर तय करता है। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। तो इस बार लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश क्या तय करने जा रहा है, इसे समझने के लिए हमें प्रदेश के सियासी गुणा भाग को समझना होगा, सीटों के जोड़ घटाव को जानना होगा, यानी किसके पास कितनी सीटें, कितना वोट। उत्तर प्रदेश यानी यूपी, देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी विधानसभा और सबसे ज्यादा लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें हैं 403। इसमें किसके हिस्से में कितनी सीटें या ताकत है, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा यानी बीजेपी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हालांकि वे 2017 के चुनाव में भाजपा का चेहरा नहीं थे। आप ये जो मैप देख रहे हैं, जो नक्शा देख रहे हैं, इससे साफ है कि भगवा दल यानी भाजपा को उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी ताकत हासिल हुई। भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से जीती 312 सीटें, यानी भारी बहुमत। मतलब बाकी के सभी विपक्षी दल करीब 100 सीटों से भी कम में सिमट गए। वह दल भी जो 2012 में सत्ता में था, यानी समाजवादी पार्टी। हालांकि बाद में हुए उपचुनाव में भाजपा ने इसमें से कुछ सीटें गंवाई भी, लेकिन बहुमत पर बहुत फर्क नहीं पड़ा। समाजवादी पार्टी यानी सपा को 2017 के विधानसभा चुनाव में मिली कुल 47 सीटें, जबकि उसके पास 2012 के चुनाव में थी 224 सीटें, जिससे उसने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और उससे भी पहले 2007 में राज करने वाली बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा तो कुल 19 सीटों पर सिमट गई। अपना दल ने जीती 9 सीटें और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के खाते में उससे भी कम कुल 7 सीटें आईं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी SBSP ने हासिल की 4 सीटें। राष्ट्रीय लोकदल यानी RLD के हिस्से में आई मात्र 1 सीट। निषाद पार्टी को भी 1 सीट मिली, जबकि इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय को मिली 3 सीटें। सीटों के हिसाब से तो सत्ताधारी भाजपा और अन्य दलों में भारी अंतर है। अब देख लेते हैं कि वोट शेयर के हिसाब से क्या स्थिति है। भाजपा यानी बीजेपी को 2017 विधानसभा चुनाव में 312 सीटों के साथ मिला कुल 39.59% वोट, जबकि कुल 47 सीट पाने वाली समाजवादी पार्टी को मिला 21.73% वोट। BSP यानी बसपा के हिस्से में आया 22.25% वोट। आप देख सकते हैं कि बसपा के हिस्से में सपा से भी ज्यादा वोट प्रतिशत आया है, लेकिन सीटें बहुत कम, महज 19। INC यानी कांग्रेस को मिला महज 6.2% वोट। अन्य पार्टियां 2.5% में सिमट गईं। हाँ, अदर्स यानी अन्य के हिस्से में भी 3% से कुछ ज्यादा वोट आया। ये तो हुई विधानसभा चुनाव की बात। अब कुछ लोकसभा चुनाव से तुलना करते हैं, जिससे स्थिति साफ हो और 2022 और 2024 तक का कुछ सुराग मिले। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। 2014 के आम चुनाव में, जिसमें मोदी जी का राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण हुआ और उन्हें पहली बार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, उस चुनाव में जिसमें नारा दिया गया था कि अब की बार मोदी सरकार, उसमें उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में बीजेपी ने हासिल की ताबड़तोड़ 71 सीटें
और उसके सहयोगी अपना दल को मिली 2 सीटें, यानी 73 सीटें एनडीए के पास हो गईं। बाकी 7 में 5 समाजवादी पार्टी को और 2 कांग्रेस को मिली। बहुजन समाज पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। इस चुनाव में बीजेपी के पास अकेले वोट शेयर था 42.63% और उसके सहयोगी ने हासिल किया करीब 1%। इस तरह एनडीए के पास 44% के करीब वोट शेयर था, जबकि समाजवादी पार्टी को मिला कुल 22.35% और कांग्रेस को मिला कुल 7.53%। दोनों को जोड़ दिया जाए तो करीब 30%। अब 2019 आम चुनाव की बात कर लें। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी ही थे, लेकिन इस बार उसने पिछली बार की अपेक्षा कुछ सीटें गंवाई। हालांकि फिर भी उसने सबसे ज्यादा 62 सीटें पाईं और वोट शेयर भी बढ़ा। वोट बढ़कर हो गया 49.98%। 2014 के चुनाव में 0 पर आउट होने वाली बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बार पहले से अच्छा किया और सीटें पाईं 10। वोट में भी हिस्सा रहा 19.43%। इस बार उसे समाजवादी पार्टी से गठबंधन का फायदा मिला। समाजवादी पार्टी सीटों के मामले में 2014 की पोजीशन पर ही बनी रही और सीटें मिली 5। वोट शेयर हालांकि कुछ घट गया। इस बार वोट शेयर था 18.11%। आरएलडी भी इस गठबंधन का हिस्सा था, लेकिन उसे कोई सीट नहीं मिली। 2019 में कांग्रेस को एक ही सीट से संतोष करना पड़ा और उसने अपनी अमेठी जैसी परंपरागत सीट भी गंवा दी। कांग्रेस केवल सोनिया गांधी की रायबरेली सीट ही बचा पाई। वोट शेयर भी घटकर 6.36% रह गया, जबकि बीजेपी के सहयोगी अपना दल 2 सीटों पर बना रहा और वोट प्रतिशत भी 1.21% रहा, 2014 से कुछ ज्यादा। तो ये था सीटों और वोट का गणित। हमने 2017 के विधानसभा चुनाव का हाल लिया और 2014 और 2019 के आम चुनाव का भी हाल जाना कि कौन किस पायदान पर खड़ा है। अब 2022 के विधानसभा चुनाव का विश्लेषण करने के लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के सियासी नक्शे को और विस्तार से देखा जाए, समझा जाए, क्षेत्रवार सीटों का गणित समझा जाए। उत्तर प्रदेश को मोटे तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड 3 हिस्सों में बांटा जाता है, लेकिन हम इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड, अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड 5 हिस्सों में भी बांट सकते हैं। तराई पर भी अलग से बात हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 122 सीटें आती हैं। इसमें से 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 99 सीट मिली, समाजवादी पार्टी को 17, बहुजन समाज पार्टी को 3, कांग्रेस को 2, आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट मिली। इस इलाके में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट शेयर हाथ आया। बीजेपी को 99 सीटों के साथ यहां मिले 42.41% वोट, जबकि एसपी यानी समाजवादी पार्टी को इसके आधे से भी कम यानी कुल 20.58% वोट मिले। बीएसपी को फिर यहां वोट शेयर एसपी से ज्यादा यानी 21.68% मिला, लेकिन सीट केवल 3 मिली। कांग्रेस के हिस्से में कुल 6.56% वोट आए, आरएलडी को मिले 4.17% वोट, अन्य के हिस्से में भी 4.60% वोट रहे। इस गणित को हम अगर रुहेलखंड की दृष्टि से देखें तो कुछ ऐसा नक्शा उभर कर सामने आता है। रुहेलखंड, जिसमें पीलीभीत, पूरनपुर से लेकर सिकंदरा, अकबरपुर, भोगनीपुर तक के इलाके शामिल होते हैं, इसमें कुल 39 सीटें शामिल हैं। इनमें से 32 बीजेपी के पास और 7 समाजवादी पार्टी के पास रही। वोट यहां भी बीजेपी के पास 42% से ज्यादा 42.59% रहा, जबकि एसपी के पास 30% के करीब 39.80% रहा। अब चलते हैं अवध की ओर, जिसमें राजधानी लखनऊ से लेकर बाराबंकी और 12 मेजा तक का एरिया आता है। इस इलाके में कुल 121 सीटें आती हैं। यहां बीजेपी को 93, एसपी को 10, बीएसपी को 8, कांग्रेस को 4, अपना दल को भी 4 और निर्दलीय को 2 सीटें मिली। इसी तरह वोट शेयर में बीजेपी 38.95% हिस्सा कब्जा लेती है। एसपी को 21.81, बीएसपी को 21.93 और कांग्रेस को महज 7.41% वोट मिलता है। अपना दल 1.79% और निर्दलीय 3.42% वोट हासिल करते हैं। यूपी के पूर्वांचल को देखें तो इस इलाके में इटावा, घोसी से लेकर दुधवी तक कुल 102 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 2017 में बीजेपी ने जीती 69, समाजवादी पार्टी के हिस्से आई 13 और बीएसपी ने कब्जाई
8, अपना दल ने जीती 5 और SBSP ने जीती 4, कांग्रेस के हिस्से में आई 1 और निषाद पार्टी और निर्दलीय भी 1-1 सीट पर काबिज हुए। इसी तरह देखें तो अपना दल के पास जो कुल 9 सीटें आई वह अवध और पूर्वांचल के इलाके से ही आई। इसी तरह SBSP ने पूर्वांचल से ही अपनी 4 सीटें जीती। निषाद पार्टी को जो एकमात्र सीट मिली वो भी इसी इलाके से मिली। वोट शेयर देखें तो बीजेपी को 34.49%, SP को 21.58%, BSP को 24.19% वोट मिलता है। अब बढ़ते हैं बुंदेलखंड की ओर। बांदा हमीरपुर वाले यूपी के इस हिस्से में कुल 19 सीटें आती हैं, जो सभी की सभी बीजेपी के खाते में गईं। बीजेपी को यहां 45.9% वोट मिलता है। अदर्स यानी अन्य में कोई नहीं जीतता, लेकिन अन्य के खाते में वोट जाता है 54.1%। तराई को अलग करके देखें तो यहाँ भी बीजेपी का दबदबा है। तराई इलाके में कुल 35 सीटें आती हैं, जिसमें से 42.61 वोट के साथ 31 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हैं। SP, BSP, अपना दल सबके खाते में 1-1 सीट जाती है। एक आजाद उम्मीदवार भी जीतता है। SP को यहाँ 21.15% वोट मिलता है, जबकि BSP को 19.65%। तो ये है यूपी का क्षेत्रवार कुल गुणागणित। 2022 के चुनाव को पढ़ने के लिए शायद ये कुछ काम आए। 2017 का अपना गणित था, अपने समीकरण थे, लेकिन इस बार की जमीनी हकीकत बहुत अलग है। कोविड त्रासदी के अलावा किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश की जमीन को गरमा रहा है। छुट्टा जानवर भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा दिन दहाड़े बलात्कार, हत्याएं यानी कानून व्यवस्था भी एक अहम मुद्दा है, और महंगाई और बेरोजगारी ये तो देशव्यापी सवाल हैं, जिसे युवा बहुत मुखरता से उठा रहे हैं। तय है कि इस बार ये मुद्दे पूरे चुनाव को बदल सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। 2022 के सियासी गुणाभाग के दौरान याद रखा जाए कि 2017 में यूपी में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा गया था, जो 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। योगी जी की तो चुनाव बाद सीन में एंट्री हुई। इस तरह केंद्र और प्रदेश दोनों की सरकार के काम इस चुनाव को प्रभावित करेंगे, यानी यूपी में योगी मोदी दोनों की साख दांव पर है। मोदी जी यूपी के बनारस से सांसद भी हैं। याद रखा जाए कि इससे पहले बीजेपी यूपी की सत्ता से कई बरस से बाहर थी। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद वह कभी पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं आ पाई। 2007 से तो वह पूरी तरह सीन से बाहर थी। इसके 10 साल बाद 2017 में ही उसने अपनी ताकत पाई और वह पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटी। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में भी बीजेपी ने यूपी में अच्छा किया, हालांकि पहले से कुछ कम सीटें पाई। यह भी याद रखा जाए कि उस समय तक पुलवामा हमला और उसके बदले में एयर स्ट्राइक हो चुकी थी और राष्ट्रवाद चरम पर था। इस बार का चुनाव क्यों अलग है? वो इसलिए क्योंकि इस बार भाजपा पिछले 5 साल से प्रदेश की सत्ता में है। 2017 में बीजेपी को अपना कोई रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करना था, उसे केवल अखिलेश सरकार और उससे पहले की मायावती सरकार की विफलताएं गिनानी थी। रिपोर्ट कार्ड अखिलेश को पेश करना था और उनकी सरकार के हिस्से मुजफ्फरनगर दंगों का दाग था। उस समय हुए ध्रुवीकरण का बीजेपी को 2014 के आम चुनाव में भी फायदा मिला और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी। इस बार कोविड का 2 साल का लंबा काल रहा है और ऑक्सीजन से लेकर अस्पताल में बेड की कमी तक लोग बेहद परेशान रहे हैं, जूझे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियों और लापरवाही से लोगों ने अपनों को खोया है। आलम यह था कि राजधानी में शमशान के बाहर टीन की दीवारें खड़ी करनी पड़ी ताकि जलते शवों पर किसी की नजर ना पड़े। यही नहीं, लोगों ने शायद पहली बार गंगा किनारे शवों को इस तादाद में दफनाने के दृश्य देखे होंगे, जिसे शायद ही वे कभी भूल पाए। इसके साथ ही देश से लेकर प्रदेश तक अनियोजित लॉकडाउन से लोग त्रस्त रहे और उनके काम धंधे चौपट हो गए हैं। इसके अलावा इस बार किसान आंदोलन के असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में चल रहे किसान आंदोलन का असर अभी हमने पश्चिम बंगाल तक के चुनाव में देखा है और यूपी तो इस आंदोलन का गढ़ है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर में सितंबर में हुई किसान महापंचायत ने इसकी झलक भी दिखा दी है और उसके बाद तो छोटी बड़ी महापंचायत का सिलसिला चल ही रहा है, जिससे पता चलता है कि आंदोलन कितना पुख्ता, कितना मजबूत है और कितनी दूर तक जाएगा। इसके अलावा लखीमपुर खीरी का किसान हत्याकांड भी आने वाले विधानसभा चुनाव पर भारी असर डाल सकता है।
यूपी के किसानों के लिए सिर्फ 3 कृषि कानून या MSP का ही मसला नहीं है, बल्कि छुट्टे लावारिस घूम रहे जानवर खासकर गौवंश भी एक बड़ा मुद्दा है। गाय के नाम पर सरकार बेहद संवेदनशीलता दिखाते हुए किसानों के प्रति सख्त है, जबकि किसान इससे बेहद त्रस्त। ये छुट्टे जानवर उनकी फसल की फसल बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन सरकार के नियमों के चलते वे इन पशुओं से निजात भी नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश की कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला है, जिसमें सरकार पूरी तरह फेल नजर आ रही है। वह चाहे हाथरस की दलित लड़की के बलात्कार का मामला हो या गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी की संदिग्ध मौत का, जिसकी हत्या का आरोप सीधे पुलिस पर है। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी तो देशव्यापी मुद्दा है ही। हाँ, बीजेपी की जरूर कोशिश रहेगी कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम, गौ रक्षा, लव जिहाद और राम मंदिर जैसे मुद्दे सुर्खियों में रहें, लेकिन उपलब्धि के नाम पर उसके पास अखबारों में विज्ञापन के तौर पर पुल और हाईवे की छपाई गई कुछ तस्वीरें ही हैं, जो बाद में दूसरे राज्यों की साबित हुई और सरकार को यहाँ भी मुंह की खानी पड़ी। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ कई मोर्चे खुले हैं और केंद्र और प्रदेश दोनों के काम के स्तर पर उनका रिपोर्ट कार्ड बेहद कमजोर है, यानी उत्तराखंड की तरह यूपी में भी डबल इंजन काम नहीं आया है। तो आज हमने बात की यूपी के नए पुराने आंकड़ों की, जिससे आगे का नक्शा, आगे का रास्ता समझने में आसानी होगी, मदद मिलेगी। आगे के एपिसोड में हम यूपी की जमीनी हकीकत की पड़ताल करेंगे, चुनाव के जानकारों से, अपने वरिष्ठ और साथी पत्रकारों से बात करेंगे। और एक बात और, यूपी समेत 5 राज्यों का पूरा इलेक्शन मैप हमारी न्यूज क्लिक की हिंदी और अंग्रेजी वेबसाइट पर उपलब्ध है। साइट पर जाइए और इलेक्शन मैप के बटन पर एक क्लिक कीजिए, पूरे आंकड़े, पूरा ब्यौरा आपके सामने होगा। आप इसका अपने तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। हमारी साइट पर जरूर विजिट करते रहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपसे जुड़े रहें हर माध्यम से, हर प्लेटफॉर्म से। शुक्रिया।